यदि आपको अपने घर में किसी तरीके का मॉडिफिकेशन करवाना है, विस्तार करवाना है और इसके लिए आप पैसे विड्रॉल करना चाहते हैं ईपीएफओ से, तो बहुत ही ज्यादा पैसा मिलता है। देखिए, इसके लिए जो आपको पारा सेलेक्ट करना होता है वो यहाँ पे एडिशंस अल्टरनेशन ऑफ हाउस का पारा सेलेक्ट करना होता है, और इस पारा को सेलेक्ट करके आप अपने इम्प्लॉई शेयर का 100% पैसा या फिर अपने मंथली वेज का 12 गुना पैसा या फिर जितना भी कॉस्ट लग रहा है आपको विस्तार करने में घर में, वो पूरा का पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन इनमें से जो सबसे कम पैसा होगा वही आपको मिलेगा। चलिए मैं पासबुक से आपको समझा देता हूँ। देखिए, इन मेंबर का हमने पासबुक भी ओपन कर लिया है। देखिए, यहाँ पे जो पहला कंडीशन हमने जाना है कि आपका जो इम्प्लॉई शेयर है उसका पूरा का पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो आपको अपने पासबुक में ये इम्प्लॉई शेयर चेक करना है। देखिए, ये इम्प्लॉई शेयर होता है और इसमें जितना भी पैसा जमा है वो सब पैसा विड्रॉल आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला कंडीशन हमने जाना है कि जो आपका मंथली वेज है उसका 12 गुना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे ईपीएफ वेज देखने को मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो भी वेज है आपके केस में अलग हो सकता है, क्या है आपके केस में, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इनके केस में 15,000 रुपए इनका वेज है, तो 15,000 का ये 12 गुना कर लेंगे, इतना पैसा ये विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा कंडीशन है कि आप जो भी अपने घर में मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं, विस्तार करवा रहे हैं, तो उसमें कितना पैसा आपको लग रहा है वो पूरा का पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मेन कंडीशन है ईपीएफओ के द्वारा कि इन तीनों में से जो कम अमाउंट होगा वही आपको मिलेगा। अब यहाँ पे इनके कैलकुलेशन की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पे इनका इम्प्लॉई शेयर सबसे पहले हम चेक करेंगे और इम्प्लॉई शेयर में कितना पैसा है वो हम देख लेंगे। इनके केस में कम पैसा है, तो हम मान के चलते हैं कि आपके केस में 1,60,000 रुपए आपका इम्प्लॉई का शेयर है। तो उसके बाद से जो दूसरा अमाउंट है वो हम लिख लेंगे वेज का। वेज में इनका 15,000 है, तो 15,000 का 12 गुना कर देंगे, यानी कि 1,80,000 रुपए। तो दो रीडिंग हमको मिल चुकी है, 1,60,000 रुपए इम्प्लॉई शेयर, और दूसरा रीडिंग मिल चुका है हमें जो वेज का 12 गुना है वो 1,80,000 रुपए। और मान के चलते हैं कि आपको अपने घर में विस्तार करने में टोटल 2,00,000 रुपए का खर्चा आता है, तो जो तीसरा रीडिंग है ये भी मिल गया है। अब ईपीएफओ के रूल के हिसाब से जो कम पैसा होगा वही आपका सेटल होगा, तो इसमें जो कम पैसा है वो 1,60,000 रुपए आता है, तो यानी कि आपको 1,60,000 मिल जाएगा। अब देखिए, आपके केस में आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करने का जो मेथड है वो यही है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें सर्विस पीरियड की बात की जाए तो आपका जॉब 5 साल या उससे ज्यादा का होना चाहिए तो ही आप इस पारा के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, इतना पैसा विड्रॉल कर पाएंगे। अन्यथा जब आप सेलेक्ट करने जाएंगे ना, तो यहाँ पे जब एडवांस पारा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो एडिशंस अल्टरनेशन ऑफ हाउस इंडिया केस में ये सेलेक्ट कर पा रहे हैं, पैसे विड्रॉल कर पाएंगे। लेकिन जो इम्प्लॉई इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा उनका ये ऑटोमेटिक रेड जोन में चला जाएगा, यानी कि ये रेड जोन में इंडिया केस में दो पारा देखने को मिल रहा है ना, लेकिन अगर आप इसके लिए भी एलिजिबल नहीं रहोगे तो ये रेड जोन में ही देखने को मिलेगा, यानी कि इसका पारा आप यूज नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा की सर्विस कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे इस पारा के बारे में काफी ज्यादा डिटेल्स में। फिर भी कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड और भी अधिक हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए, जैसे कि ये सारे पारा हैं इनके बारे में जानने के लिए, आप ये वाली वीडियोज भी चेक कर सकते हैं जिन पे हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। इसी साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय वंदे मातरम।